धान के बोनस को लेकर किसानों को सही तरीके से बोनस न मिलने पर भाजपाइयों ने आज मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। सीतापुर में भाजपा के सदस्यों ने शहीद भगत सिंह चौक में जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया, जिसमें भाजपा के सदस्यों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने घोषणा पत्र में जो भी वादे किए थे वह पूरे नहीं किए हैं। शैलेश सिंह की रिपोर्ट। जी, किन मुद्दों को लेकर के आज आप लोगों ने यहाँ मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया? अभी जो बोनस दिए हैं उसमें 30% से 40% कटौती करके दिए हैं। जो किसानों का हक पक का पैसा था उस पे कांग्रेस सरकार डाका डाल रही है, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा समस्त भाजपा की टीम इसका विरोध किए और मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन किए हैं। क्या है, अगर लाभ नहीं मिलता है तो लगातार पुतला दहन करने से इसका समस्या निवारण हो सकता है, आगे कोई आंदोलन करने की रणनीति? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से किसानों के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। इस किसानों के लिए हम सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे और आगे भी यह लड़ाई जारी रहेगा। आज जो ये पुतला दहन हुआ है, ये सिर्फ सीतापुर में हुआ कि पूरे छत्तीसगढ़ में? नहीं, ये प्रदेश व्यापी कार्यक्रम है। ये पूरे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी का पुतला दहन हो रहा है। जी, अपना पूरा परिचय। मैं विनोद अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा सीतापुर। जी, किन समस्याओं को लेकर के आज यहाँ पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया? आज हम लोग पूरा छत्तीसगढ़ भाजपा, ये कांग्रेस सरकार जो अभी बोनस दिया है उसमें 30 से 40% का कटौती किया है, ये भारतीय जनता पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। किसानों के हक के लड़ाई के लिए हम लोग रोड में हम लोग को आना पड़ेगा, हम लोग लड़ेंगे और जो ये कटौती किया है उसको भूपेश सरकार को देना पड़ेगा। क्या समस्याएं हैं और कौन सी ये योजनाएं हैं जिसका लाभ भूपेश सरकार नहीं दे रही? ये बोनस देने का वादा जो किया था वो उसको किस्त में दे रहा है, थोड़ा थोड़ा करके दे रहा है। बताइए वो किसानों का किस काम का आएगा? इकट्ठा पैसा अगर देता तो किसानों का काम आता। एक समस्या और सामने आकर खड़ी है मितानियों को लेकर के, कोरोना के समय से लेकर अभी तक मितानी जो बने हैं कार्य करते आई हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अभी तक देखिए वो तो कई घोषणाएं लेके आया था। मितानिनों को बोला था कि उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा, उनको रेगुलर किया जाएगा, ऐसा कह के वो ठग के आया सरकार में और आते ही आज तक देखिए 4 साल होने को है, वो किसी भी वादा को पूरा नहीं किया। के लिए आपकी जो ब्लॉक की समिति है जो भाजपा के जो सदस्य हैं उनके मितानी बहनों के लिए क्या करते हैं? हम लोग का कहना है कि उनका मांग जो घोषणे किया है उसको पूरा करे, उनका मानदेय को बढ़ाए। आपका पूरा परिचय? मैं श्रवण दास, भाजपा मंडल अध्यक्ष सीतापुर।